नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कंचन मोड़ में जेजेएमपी उग्रवादियों ने बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए पूर्व सदस्य अमरजीत की पत्नी व उसके 3 साल की बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जनावल गांव के कंचन मोड़ के पास सोमवार को देर रात में हुई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अहले सुबह घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। घटना के विषय में बताया जाता है कि सोमवार की देर रात को अमरजीत बाइक पर अपनी पत्नी नीति कुजूर व 2 बच्चों के साथ लेकर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से जनावल कंचन मोड़ के समीप घात लगाए जेजेएमपी के उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही अमरजीत की पत्नी व 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं गोलीबारी में अमरजीत भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जिसके बाद अमरजीत का 5 साल का पुत्र वहां पर मां के शव के साथ लिपट कर रात भर रोता रहा। जिसके बाद घटना की सूचना मंगलवार को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि अमरजीत लकड़ा उर्फ अशोक चैनपुर थाना क्षेत्र के जनावल का रहने वाला है। वह पूर्व में जेजेएमपी का उग्रवादी रह चुका है, जो पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में उसने घाघरा थाना क्षेत्र में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कमांडर सुकरा उराव की गोली मारकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद हथियार व लेवी मोटी राशि लेकर फरार हो गया था। उस वक्त से जेजेएमपी उसे खोज रही थी। क्या मारा मम्मी लोग? कौन मारा? चोर लोग मारा। तुमको कौन मारा है? ये हमको भी मारे हैं। अच्छा, का चीज से मारा है? कौन चीज से मारा है? बंदूक। बंदूक से मारा है? बंदूक देखा था उसका हाथ में? बंदूक देखा था हाथ में। अच्छा, कितना कोई था? लोग कितना कोई था? ढेर था। अभी ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है कि कल शाम का घटना है, तो रात भर वो अपने घर पे ही था। यहाँ पे अभी पुलिस थाना के बाद के लोगों द्वारा लाया गया, तो स्थिति ठीक है उसका। 2 जगह गोली लगा है, एक शोल्डर में लगा है और एक उसका नीचे एनल रीजन में लगा हुआ गोली है। तो शोल्डर के पास तो बुलेट निकल गया है, नीचे वाला फंसा हुआ है। तो स्थिति ठीक है, पेशेंट का सीरियस नहीं है। अभी सारा यहाँ पे जो भी प्राथमिक उपचार करना था वो हम लोग कर दिए हैं और पेशेंट को रेफर कर दिए गुमला सदर के लिए। पेशेंट अभी स्टेबल है, उसका जितना भी वाइटल सारा सब कुछ ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मेन उसका सारा वाइटल्स नॉर्मल है। अभी पेशेंट ठीक है, कॉन्शियस है, सब बात बात कर रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है।